चूहा आया था अब मेंढक, पहले चूहा आया था अब मेंढक। कूदेगा वह तेरे पे कूदेगा वो जो सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। भाई आज इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है भाई, बड़ी काटे की टक्कर है क्योंकि आज तक ऐसे ऐसे इवेंट में न्यूजीलैंड के सामने इंडिया जीता नहीं है 2003 से लेकर 2023 तक, तो बहुत ही, और दोनों टॉप टू में हैं, मतलब दोनों के सेम पॉइंट्स है, तो भाई बहुत ही बढ़िया मस्जिददार मैच होने वाला है। तो आज दोपहर को तो भाई मैच का ही प्लान है, शाम को वही प्लान है, फिर वापस गरबा है कज़िन के घर पे तो वही करेंगे, बाकी बीच में देखते हैं अगर कहीं जाना हुआ नहीं जाना हुआ तो देखते हैं, बाकी भाई मैच का पूरा मज़ा लेंगे भाई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। लाणी लाणी की तैयारियां कर रहे हैं भाई हम लोग, नवरात्रि में लाणी देनी होती है, एक एक डब्बे प्रसाद। सो गाइस अभी घर का गरबा खत्म हो गया, अभी चलते हैं मंदिर में, आज मंदिर में कुछ प्रोग्राम भी है तो देखते हैं कि क्या है भाई।
हे गाइस, आज मैच जीत गए भाई न्यूजीलैंड के सामने। न्यूजीलैंड के सामने मैच जीता, मतलब 20 साल के बाद भाई इतना मजा आया ना भाई मैच का। कोहली सेंचुरी से थोड़े से चूक गए भाई, लेकिन मज़ा बहुत आया। इम्पोर्टेंट था मैच जीत गए। दूसरी बात कि आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं भाई। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि आज बहुत लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया था, मतलब सब लोग ट्रेडिशनल में आए थे। काफ़ी लोग थे जो उन्होंने मतलब सिर पे अपने अपने घर से गरबा लेके आए थे, उन्होंने सिर पे रख के गरबे गाए भाई। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और फिर लास्ट में प्राइज़ भी था, जिन्होंने अच्छा कॉस्ट्यूम पहना था, अच्छे गरबे गाए खेला, उन्होंने उन सबको प्राइज़ भी दिया और बहुत मज़ा आया भाई। तो अभी बाकी के 3-4 दिन हैं भाई, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आज का जो ब्लॉग है भाई यहाँ पे समाप्त करते हैं। अभी ये जो 2-3 दिन के ब्लॉग है ना भाई, वो डेडिकेटली नवरात्रि के रहेंगे, उसके बाद अपने रेगुलर ब्लॉग जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो भाई आज का ब्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं, कल फिर से नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे भाई। हर हर महादेव।